करोगे तो ही बताऊंगा। राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए आपने जेल भी काटी थी, क्या था वो पूरा मामला, कितने दिन जेल में? देखिए, ये 1984 में राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू हुआ। सर्वप्रथम देश के लोगों को जागृत करने के लिए, क्योंकि बहुत से लोगों को मालूम नहीं था कि राम जन्मभूमि पे ताले पड़े हुए हैं, उसके जागरण की राम जान की रथ यात्राएं निकाली गई, उसमें मुझे सुरक्षा की जिम्मेवारी दी गई थी और बजरंग दल सह संयोजक के रूप में उन रथों की मैं सुरक्षा बरेली महानगर और जनपद में थी। उसके बाद में शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ, उसमें भी बरेली से बहुत लोगों ने मुझ सहित भाग लिया। शिलान्यास के समय पर चंबल घाटी के तमाम डाकू भी वहाँ आए थे जो हमारे साथ रहते थे। उसमें दस्तु सम्राट मान सिंह के पुत्र तहसीलदार सिंह भी थे। हम सब लोगों ने मिलकर वहाँ शिलान्यास किया। उसके बाद में रामशिला पूजन शुरू हुआ, उसमें शिला पूजन में मैंने अपने भट्टे से 50,000 रामशिलाएँ समाज को निःशुल्क पूजित करने के लिए दी। राम 30 अक्टूबर 1990 को जब ये तय हुआ कि कार सेवा होगी, उस कार सेवा में 18 दिन पहले मैं अपने 30 साथियों के साथ अयोध्या गया था और 250 किलोमीटर पैदल चलकर मैं वहाँ अयोध्या पहुँचा। और जिस समय हमने अयोध्या के अंदर प्रवेश करने की 30 अक्टूबर को कोशिश की तो पुलिस ने हमको रोका, हम पे फायरिंग की गई, उसमें कई लोग घायल हुए, मैं भी उसमें छुटैल हुआ लाठियों और आंसू गैस के गोलों के कारण। अंतोगत्वा हमने अयोध्या के अंदर प्रवेश पा लिया और हनुमंत निवास में वहाँ हम लोग ठहरे। वहीं से रहकर हम लोग जो है राम जन्मभूमि का संघर्ष करते थे। 2 नवंबर को ये तय हुआ संतों के द्वारा कि हम लोग राम जन्मभूमि की ओर कूच करेंगे शांतिपूर्ण तरीकों से, और जहाँ भी पुलिस रोकेगी हम वहीं बैठकर जय श्री राम के जाप करेंगे। हम लोग 2 नवंबर को गंगा स्नान करने, 2 नवंबर सन के बाद जब वहाँ बढ़ रहे थे, 2 नवंबर सन कौन सी थी? 1990 2 नवंबर 1990 जब हम बढ़ रहे थे तो दिगंबर अखाड़े के पास पुलिस ने जो है एकाएक फायरिंग शुरू कर दी सीआरपी ने, और उसमें 15 लाशें मेरे सामने ही वहाँ गिर पड़ी। मैं भी अपनी जान बचाने के लिए खंभे की आड़ में खड़ा हो गया तो किसी सैनिक ने, सिपाही ने गोली मेरे सर पे मारी, वो तो मेरे ना लग के उस खंभे की दीवार में लगी, वो खंभे की दीवार की ईंट निकल के गिर गई। मैं समझ गया कि किसी ने मुझे टारगेट किया है। मैं तुरंत वहाँ से भाग कर, एक नर्सिंग आचार्य थे वहाँ रोडवेज में कैशियर थे, उनके घर में छिप गया। वहाँ पता चला मेरे जैसे बहुत बहुत से लोग छिपे हैं, उनके घर एक पागल व्यक्ति कोई रिश्तेदार इलाज कराने आया था, उसने देखा मेरे घर में बहुत लोग घुस आए हैं तो वो चीखने लगा जोर जोर से। उसकी चीख सुनकर सीआरपी के लोग वहाँ आ गए और उन्होंने सबको बाहर निकाल कर गोली मारने के लिए लाइन में लगा लिया। मेरे सामने ही जो राम कुमार कोठारी, शरद कोठारी थे, प्रोफेसर भारती के मकान से निकाल के मारे गए। हम लोगों पर भी वो गोली मारकर हत्या करना चाहते थे, फायरिंग करना चाहते थे, लेकिन इसी बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया वहाँ जो घूम रही थी वो वहाँ आ गई और उसने जब फोटोग्राफ लेना शुरू किए तब पुलिस वाले सहम गए कि यदि हमने कोई भी गैर कानूनी कार्य किया तो हमारा इसमें कैद हो जाएगा और हमें जवाबदेही बनेगी। तब हम लोग वहाँ से बच पाए। फिर 7 नवम्बर तक हम अयोध्या में रहे, जब माननीय अशोक सिंघल जी का आदेश हुआ कि सारे लोग राम जन्मभूमि का दर्शन करके घर वापस जाएंगे, तो हम लोग दर्शन करने के बाद फिर स्पेशल ट्रेन के द्वारा हम लोगों को बरेली भेजा गया था। ऐसे मध्य का एक संघर्ष, जेल जाने का क्या, जेल जाने का कारण रास्ते में जो हम जा रहे थे 7 जगह हम पकड़े गए और उस समय जो कैदियों वाली जेल है वो भरी हुई थी। हम लोगों को अस्थायी जेलों में रखा जाता था, स्कूल में या पंचायत घर में, और हम उन जेलों को तोड़ के चले जाते थे। अंत में राम जन्मभूमि ढांचा गिराने में हमारी गिरफ्तारी हुई और जेल जाना पड़ा। उसके बाद भी जो है वो मुकदमे सारे सरकार ने वापस ले लिए जब अपनी सरकार बनी। इस तरीकों से 7 बार जेलों में रहे, अस्थायी जेलों में और 1 बार परमानेंट जेल में।